फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि लेडी और उमन में क्या फर्क है, यानी औरत को कब हम लेडी और कब हम उमन बोलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वर्ड लेडी और उमन के बारे में क्लियरली जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैन और जेंटलमैन में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी इंसान को हम मैन तब बोलते हैं जब हमको ये बताना हो कि वह बनावट से एक मर्द है, लेकिन किसी इंसान को जेंटलमैन हम तब कहते हैं जब उसका सोशल रैंक अच्छा हो, यानी जब हम किसी इंसान के साथ बड़े तहजीब से, बड़े अदब से पेश आते हैं, तो हम मैन के जगह पर जेंटलमैन का यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स, हम वर्ड उमन का यूज तब करते हैं जब हमको कहना हो कि वह बनावट से एक औरत है, लेकिन वर्ड लेडी का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी औरत को बड़ी इज्जत के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ या अदब के साथ बुलाएं या एड्रेस करें। यानी फ्रेंड्स, आप छोटा में ऐसा समझ सकते हैं कि जो फर्क मैन और जेंटलमैन में है, वही फर्क वुमन और लेडी में होती है। हम मैन वर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें कहना हो कि वह बनावट से एक मर्द है या एक मेल है, और जब उस मर्द को या उस मेल को हमें बड़े तहजीब से बुलाना हो या उसे इज्जत देनी हो, तो हम उसे जेंटलमैन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से वर्ड वुमन का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि वह बनावट से एक औरत है, और जब उस औरत को बड़े रिस्पेक्ट से या अदब से बुलाना हो या एड्रेस करना हो, तो हम उमन के जगह पर लेडी का यूज करते हैं। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब एक लीडर ज्यादा लोगों को एड्रेस करता है, तो वो ये नहीं कहता मैन एंड उमन, बल्कि वो ये कहता लेडीज एंड जेंटलमैन। यानी वहां पर आए सभी मर्द और औरतों को वह बड़े रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करता है। और भी बहुत जगह आप ये लिखा हुआ देखे होंगे, जैसे लेडीज कंपार्टमेंट, आप ये नहीं देखे होंगे उमन कंपार्टमेंट, या अक्सर आप बस या ट्रेन में देखे होंगे लेडीज सीट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया। जो फर्क मैन और जेंटलमैन में होती है, वही फर्क वुमन और लेडी में होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।